सात वर्षों से 2017 से ही हमको नाबालिग अवस्था से ही हमको फंसा के रखा, बोला कि हम तुमसे शादी करेंगे। 20 में हमारे पेट में 3 महीने का बच्चा रहा, उसको बच्चा को नहीं मैं गिराना चाहती थी, उसको ज़बरदस्ती लेकर गया और हॉस्पिटल से दवा लेकर खिला के बच्चा को गिरवा कोर्ट में फाइल की। मैं जब शादी के लिए जब हम करने के लिए बोले तो किए जाके कोर्ट में साइन उन सब किए, फाइल हो गया। उनका भाई फोन उठाया तो बोला कि तुम ये नहीं जाएगा, बोलो क्या बात करना है, नहीं जाएगा। तो हम बोले ना कि क्यों नहीं आएंगे, तो नहीं जाएगा। तो हमको बोला कि तुम्हारे पर पहले तो हम केस करेंगे, हम तो तुम्हारे मेंटली प्रॉब्लम का केस करेंगे, तुमको पैसा के लिए केस करेंगे तुमको, और हम चाहते कि इस पे हमको न्याय मिले। नमस्कार, मैं हूँ सानराज पांडे और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। औरंगाबाद में एक प्रेमी ने प्रेमिका के साथ लव सेक्स धोखा का एक घिनौना खेल खेला है। हम आपको बता दें कि प्रेमी ने प्रेम जाल बिछाकर प्रेमिका को बहला फुसलाकर उसके साथ यौन शोषण किया और उसके साथ यौन संबंध बनाते रहा, वो भी एक 2 साल के लिए नहीं, पूरे 7 सालों तक उसका यौन शोषण किया। और जब प्रेमिका गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात भी करा दिया, और गर्भपात होने के बाद जब प्रेमिका ने प्रेमी पे शादी का दबाव डाला तो झूठा मूठा शादी करने के लिए प्रेमी प्रेमिका को मंदिर लेकर गया और वहां गंधर्व शादी भी रचा ली, लेकिन ये सब एक छलावा था। हम आपको बता दें कि जब प्रेमिका को प्रेमी की दूसरी शादी के बारे में पता चला तो प्रेमिका दंग रह गई। जब उसको पता चला कि उसका प्रेमी पहले से ही शादीशुदा है तो उसके पास कोई और चारा नहीं बच रहा था, क्योंकि प्रेमिका पहले से ही गंधर्व शादी कर चुकी थी अपने प्रेमी से और उसके साथ रह रही थी, इसके लिए उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था उसके साथ शादी करने के अलावा। तो प्रेमिका ने मजबूरन उसके साथ शादी करने का फैसला लिया, लेकिन प्रेमिका ने अपने प्रेमी पे ओरिजिनल शादी करने का दबाव बनाया तो प्रेमी ने झांसे में लाकर उसे बहला फुसलाकर फरार हो गया, शादी में नहीं पहुंचा। जब उसकी प्रेमिका ने उसके साथ रजिस्टर ऑफिस में शादी करने की बात कही, डेट निकाला, तो उस दिन वो पहुंचा ही नहीं क्योंकि प्रेमी पहले से ही फरार हो चुका था। और दूसरा डेट 15 जून को निकाला गया, तब भी प्रेमी प्रेमिका से शादी करने के लिए नहीं पहुँचा, जिसके बाद प्रेमिका शादी के लिए दर दर भटक रही है और न्याय पाने के लिए औरंगाबाद पुलिस थाने पहुंची और थाने में महिला पुलिस से मिली, स्वप्ना गौतम से मिली, और वहां पे उन्होंने कहा कि आप भी एक औरत हैं, आप ही मुझे न्याय दिला सकती हैं, आप न्याय की देवी हैं, आप मुझे न्याय दिलाइए। और प्रेमिका ने न्याय की गुहार लगाते हुए स्वप्ना गौतम के सामने जा पहुंची। तो देखिए उनका क्या कुछ कहना है। वार्ड पार्षद 29 वार्ड के फुलपतिया देवी के बेटा महेंद्र पासवान हमको पैसा और शादी के झाका देकर, मतलब 7 वर्षों से 2017 से ही हमको नाबालिग अवस्था से ही हमको फंसा के रखा, बोला कि हम तुमसे शादी करेंगे। एक मंगलसूत्र लेकर दिखाया था, हम बात नहीं करते थे, तब बोलता था कि हम शादी तुमसे करेंगे किसी भी कीमत पे करेंगे। तो उसके बाद 2020 में हमारे पेट में 3 महीने का बच्चा रहा, उसको बच्चा को नहीं मैं गिराना चाहती थी, उसको ज़बरदस्ती लेकर गया और हॉस्पिटल से दवा लेकर खिला के बच्चा को गिरवा दिया। फिर बोला कि चलो ठीक है, बच्चा गिर गया तो अब हम 2-4 महीने में तुमसे शादी कर लेंगे ना, तो ठीक है। फिर उसके बाद शादी किया, बोला कि चुपके तो तुम सिंदूर लगाना, जब ओपन शादी हम करेंगे तुमसे तो फिर ओपन सिंदूर लगाना तुम का हमेशा। उसके बाद ये होने के बाद जब कोर्ट में फाइल की, मैं जब शादी के लिए जब हम करने के लिए बोले तो किए जाके कोर्ट में साइन उन सब किए, फाइल हो गया। तो जब फर्स्ट डेट आया था 27/5/2023 को, तो बोले कि हम अभी नहीं आ पाएंगे, कोर्ट में मेरा कुछ काम है इसलिए इनकार कर दिए। फिर दूसरा डेट आया 15/6/2023 को, शादी के लिए इनकार कर दिए। तो उनको हम उस दिन सुबह फ़ोन किए उनके भाई के पास 7 बजे, तो फोन भाई नहीं उन्हीं के पास फ़ोन किए, तो उनका भाई फ़ोन उठाया तो बोला कि तुम ये नहीं जाएगा, बोलो क्या बात करना है, नहीं जाएगा। तो हम बोले ना कि क्यों नहीं आएंगे, तो नहीं जाएगा। तो हमको बोला कि तुम्हारे पे पहले तो हम केस करेंगे, हम तो तुम्हारे मेंटली प्रॉब्लम का केस करेंगे, तुमको पैसा के लिए केस करेंगे तुमको। और इसका हो गया। उसके बाद इतना कहते हुए
था। ये लोग बोले कि हम शादी नहीं करेंगे, मेरा भाई तुमसे कभी भी लाइफ में शादी नहीं करेगा, तुमसे कभी भी नहीं करेगा। और हम चाहते कि इस पे हमको न्याय मिले, हम उससे शादी करें। थाना में आप न्याय के लिए कब गई थी? थाने में 15 तारीख की अपने न्याय के लिए मैं गई थी। 15 तारीख गए थे तो मैम नहीं बैठी थी, तो मैं चली गई थी 7 बजे वहाँ वेट करते करते। फिर मैं 16 तारीख को सुबह में गई थी 10 बजे, तो मैम 15 तारीख 5 बजे आई थी मैम। तो 5 बजे आई मैम, तो फिर हम बात की मैं, तो उसका फिर भाई भी आया, तो भाई भी आए तो हमको देखा, और उसके बाद वो भी गया मैम से मिला, तो मैम उसका पूरा ये फेक दिन लेकर उसका लेटर ये सब डांट कर। आज जो आप आवेदन दिए हैं, यहाँ सबको क्या आश्वासन मिला? आश्वासन की केस यहाँ पे हुआ है और कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं। मैम क्या बोले? मैम से नहीं, सर से बात हुआ, DSP सर से बात हुआ हमको। हाँ, अभी आप कहाँ रहते हैं? अभी हम स्टेशन पे रहते हैं, 15 तारीख से यहाँ स्टेशन पे रह रहे हैं रात में। स्टेशन पर कोई दिक्कत? हाँ दिक्कत है ना, सोने का दिक्कत है, हमको रहने का दिक्कत है। परिवार वाला आपको अपनाना चाहता है? नहीं, कभी भी नहीं। तो आपने अभी सुना कि प्रेमिका का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से प्रेमिका दर दर भटक रही है न्याय पाने के लिए और अपने प्रेमी को ढूंढ रही है। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।